ready to have maybe? Hello, आगे बढ़ते बढ़ते पास पास बैठो। आप लोग भी पास पास बैठ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर शांति कुंज में हैं, पतंजलि भवन तक ठहरे हुए हैं। अभी सुबह के यहाँ पर 9 बजे हैं और हम लोग अभी भोजनालय की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर भोजन फ्री मिलता है सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ भोजनालय में कैसे कैसे खाना बनता है। पहले मैं आपको वो दिखाऊंगी, फिर उसके बाद जहाँ पर भोजन करते हैं वहाँ लेकर चलूंगी। तो चलिए पहले चलते हैं जहाँ पर भोजन बनता है, जहाँ पर किचन है, रसोई घर है, तो वहाँ पहले लेकर चलती हूँ। तो चलो चलो देखते हैं। साथ में मेरी बहन आई हुई है, वो भी मेरे साथ जा रही है भोजनालय की ओर, पर दोनों बहुत थके हुए हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको मेरी बहन से। चलो इधर देख, हाँ ये है और ये मेरी बेटी है। तो दोनों बस फोन में लगे हुए हैं, इन लोगों को सेल्फी बनाना है, रील बनानी है, तो साथ में चिल्ला रहे हैं। इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग चलते हैं। ये लिफ्ट है, हम लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं। चलो जल्दी आओ, लिफ्ट दबा दिए। ये लिफ्ट है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा। ये लिफ्ट खुल गई है, हम लोग आ रहे हैं। ये लिफ्ट खुल गई, लोग आ गए बाहर। ये बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये हमारा पतंजलि भवन है, यहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं। इसमें सेकंड फ्लोर है, 2 फ्लोर है। छोटी सी गार्डन है। यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। नहीं नहीं, मैंने बस अब दिखा दिया है, बस चलो वहाँ अंदर चलो। हम अब भोजनालय पर पहुंचने ही वाले हैं। यह वेद माता गायत्री मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं जिन पर फूल लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन है यहाँ पर। अब हम भोजनालय की ओर पहुँच ही गए हैं। यहाँ पर अलग से थालियाँ रखी होती हैं, एक थाली मैं भी ले लेती हूँ और अंदर हम भोजनालय जहाँ पर भोजन करते हैं वहाँ के लिए आगे बढ़ते हैं।
ये भोजनालय है, सभी लोग बैठे हुए हैं, भोजन परोसने वाला है। हम लोग भी यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, अब हमें भी यहाँ पर भोजन परसा जाएगा। यहाँ पर भोजन बहुत ही स्वादिष्ट रहता है और हर प्रकार का भोजन मिलता है। ये इस तरफ जो लाइन लगी हुई है, ये आस्वाद भोजन वाली लाइन हुई है। बिना नमक मिर्च का खाना मिलता है उस तरफ। सभी भोजन कर रहे हैं, हमें भी भोजन मिल चुका है। आज भोजन में दाल, चावल और मिक्स सब्जी, रोटी, अचार और छाछ है। अब हम भोजन करते हैं, इसके बाद आपको जहाँ भोजन बनता है वहाँ पर लेकर चलते हैं रसोई घर में। ये देखिए रसोई घर है, ये बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं, वहाँ पर खाना बन रहा है। ये आपको मैं बाहर से दिखा रही हूँ, अब हम अंदर की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर खाना पैक हो रहा है। जो लोग यहाँ शांति कुंज में आते हैं उनके लिए टिफ़िन बनता है, तो वो ये टिफ़िन ले सकते हैं। अंदर लेकर चलती हूँ। देखिए यहाँ पर आटे की मशीन है, आटे को गूंथा जा रहा है और यहाँ पर रोटियाँ बनाई जा रही है। ये रोटी की मशीन है, यहाँ पर आटे की लोइयाँ को डालते हैं ऊपर और वहाँ से वो बिल जाती है और इधर से वो बनकर निकल जाती है। गोल गोल फूली फूली रोटियाँ हैं, बढ़िया मस्त। यहाँ पर सेवा देने के लिए सभी लोग आते हैं, जिसको सेवा देनी है वो दे सकता है। यहाँ पर खाना बन रहा है, बड़े बड़े गंज रखे हुए हैं, उसमें चावल है, दाल है, सब्जी है। इस पर चावल चढ़ा हुआ है, ये सब्जी बन चुकी है। ये पूरा रसोई घर है, यहाँ पर खाना तैयार किया जाता है और हजारों लोग यहाँ पर खाना ग्रहण करते हैं। अब देखिए ये मैंने भी रोटियाँ बनाई थी। यहाँ पर गोल गोल आटे की लोई को इस तरह से डाला जाता है, वो अपने आप ही बेलकर रेडी हो जाती है और यहाँ से निकलती है तो वो पक जाती है, सिक जाती है, अच्छी फूली फूली रोटियाँ। और आंटी हैं, उनको निकाल निकाल कर ये साइड में रखते जा रही हैं। ये तैयार हो गई रोटियाँ और ये खाने के लिए तैयार हैं। हम लोग भोजनालय से वापस आ गए हैं, पानी पी रही है ये मेरी बेटी है। यहाँ वाटर कूलर लगा हुआ है हर थोड़ी दूर पर, जहाँ पर ठंडा पानी
और गर्म पानी दोनों मिलता है, नॉर्मल पानी भी है यहाँ पर। और ऐसे ही अच्छा वीडियो आपको पसंद आ रहा है मेरा, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय।